फ्रेंड्स, वेलकम टू ispeaks फोरम। आज हम बात करेंगे बजट 2018 में जो म्यूचुअल फंड में टैक्स चेंजेस हुए हैं, उसी का हम एक रिव्यू करेंगे। तो पहले टैक्स चेंजेस को समझने के लिए हमें कैपिटल गेन टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या जो कैपिटल एसेट होते हैं, जब आप उसको सोल्ड आउट करते हो, जो भी प्रॉफिट रियलाइज्ड होता है, हम उसको कैपिटल गेन एसेट और कैपिटल गेन रेफर करते हैं। कैपिटल गेन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आपके जब जनरेट होता है, जब मान लीजिए आप शॉर्ट जो भी आपकी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो आपने होल्ड की हुई है, जब आप उसको सोल्ड आउट करते हो 36 मंथ से पहले, तो अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स है, जब आप उसको 36 मंथ से पहले सोल्ड आउट करते हो, जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगा, हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर करते हैं। अगर आप उसी इक्विटी को, उस आपके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को आप 36 मंथ्स के बाद सोल्ड आउट करते हो, यानी 36 महीने होने के बाद उसे सोल्ड आउट करते हो, और जो भी प्रॉफिट रियलाइज्ड होता है, हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेफर करते हैं। तो पर्टिकुलरली इस बजट में मिस्टर अरुण जेटली ने फिनेंस बिल 2018 में दो मेजर चेंजेस किए हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। जो पहला चेंज है वो यही है कि आप एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर 1 लाख पर ईयर ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड विल नाउ बी टैक्स्ड एट 10%। अभी तक जो करंटली चलता आ रहा था म्यूचुअल फंड में, अगर आप जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता था इक्विटी म्यूचुअल फंड पे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। बट अब इस फिनेंस बिल 2018 में आप 1 लाख रुपये से ऊपर जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उस पर आपको 10% का टैक्स लगेगा। दूसरा जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है डिविडेंड्स को लेकर। अभी तक इक्विटी म्यूचुअल फंड पर जो भी डिविडेंड आपको मिलता था, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था उस अब। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अगर आप डिविडेंड लेते हो तो आपको 10% टैक्स देना होगा। अगर मुझे इसको क्लासिफाई करना पड़े तो, अगर मान लीजिए कि आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और उसमें मैं इंक्लूड ईएलएसएस फंड्स को भी कर रहा हूँ जिसको आप टैक्स सेविंग के लिए करते हो यूज़, अगर आप एक साल की होल्डिंग रखते हो, 1 साल के बाद उसको सोल्ड आउट करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हो, तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेफर करते हैं। और एज पर द रूल कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अब जो पर्टिकुलर अभी तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब फिनेंस बिल 2018 में जो 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, उस पर आपको 10% का टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर इक्विटी फंड में अगर आप 1 साल से पहले अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को बेचते हो, तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 15% है। लेकिन अभी तक इक्विटी म्यूचुअल फंड पर डिविडेंड जो आप लेते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, वो डिविडेंड टैक्स फ्री होता था। लेकिन अब जो भी आप डिविडेंड लोगे या डिविडेंड आप जो अर्न करोगे अपने फंड से, उस पर आपको 10% टैक्स लगेगा। डेट फंड में सेम डेफिनेशन रेफर करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, कि अगर डेट फंड्स को अगर आप 3 साल की डेट फंड्स को अगर 3 साल के लिए होल्ड करते हो, 3 साल से पहले 3 साल के बाद उसको प्रॉफिट को रियलाइज करते हो, तो आपको 20% आफ्टर इंडेक्सेशन कॉस्ट लगेगा। और अगर आप 3 साल से पहले डेट फंड्स को बेच देते हो, तो जो भी आपका प्रॉफिट रियलाइज्ड हुआ, उस पर आपका जो भी पर्सनल टैक्स रेट होगा, चाहे आप 10% 20% 30% जिस टैक्स स्लैब में आप आते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। डेट फंड में डिविडेंड टैक्स पहले भी 25% था, अब भी 25% टैक्स है जो लगेगा। लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड में भी सेम डेट फंड का ही रूल अप्लाई होगा। सेम अगर आप लिक्विड फंड मनी मार्केट फंड्स को 3 साल के बाद बेचते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर आप उसे 3 साल से पहले बेचते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 20% आफ्टर इंडेक्सेशन देना होगा। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी आप 3 साल से पहले उसे बेच देते हो, तो जो भी आपकी पर्सनल टैक्स स्लैब रेट होगी, उस वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन मेन जो डिफरेंस मिलेगा वो है आर्बिट्राज फंड्स का। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट इन्वेस्टर आर्बिट्राज फंड्स का फ़ायदा उठाते थे। बेसिकली आर्बिट्राज फंड इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेविंग अकाउंट, जहाँ पे आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल जाता था, 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल जाता था। बेसिकली फंड मैनेजर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे और उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, जहाँ पे आपको फ्री साइड में सेफर रिटर्न्स मिल जाते थे। लेकिन अब आर्बिट्राज फंड में अभी तक जो भी रूल अप्लाई होता था वो इक्विटी फंड का ही रूल अप्लाई होता था। तो अब आर्बिट्राज फंड में जो टैक्स अप्लाई होगा, जो टैक्स का टैक्स के लिए जो एप्लीकेबल होगा, वही सेम रूल जो इक्विटी का एप्लीकेबल होगा। यानी आर्बिट्राज फंड में अगर आप 1 साल के बाद यूनिट्स को बेचते हो, तो उस पर आपको 10% का टैक्स देना होगा विदाउट इंडेक्सेशन कॉस्ट। लेकिन आर्बिट्राज फंड को अगर आप
एक साल से पहले सोल्ड आउट कर देते हो, पहले एक साल से प्रॉफिट पहले प्रॉफिट रियलाइज कर देते हो, तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। आर्बिट्राज फंड में पहले कोई डिविडेंड जो आप लेते थे, डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं देना होता था, तो सेम इक्विटी की तरह, क्योंकि आर्बिट्राज फंड भी एक इक्विटी का कंस्टिट्यूट है, इक्विटी का ही पार्ट है, तो उस पर भी आपको डिविडेंड का टैक्स देना होगा 10%। अभी तक आर्बिट्राज फंड में काफ़ी सारी, जैसे एक आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज फंड एक फंड है जो मंथली डिविडेंड देता है, तो काफ़ी सारे फंड्स की स्कीम्स हैं जो मंथली डिविडेंड देते हैं आर्बिट्राज फंड्स में, वहाँ पर आपको अब डिविडेंड टैक्स देना होगा, तो आपको ये कंसिडर करना होगा, आपको थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सेम हाइब्रिड फंड में जो बैलेंस्ड फंड है, कंजर्वेटिव फंड्स है, बैलेंस फंड में भी सेम इक्विटी का ही रूल अप्लाई होगा, यानी अगर आप एक साल के बाद उसे बेचते हो तो जो भी अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, पहले उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 10% टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। और जो डिविडेंड आप लेते हो, जैसे कि मान लीजिए एचडीएफसी प्रूडेंस फंड हुआ, आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस फंड हुआ, कुछ ऐसे फंड्स हैं जो बैलेंस फंड कैटेगरी में आते हैं जो मंथली डिविडेंड देते हैं अभी, तो आपको उन डिविडेंड्स पर आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। अभी पर्टिकुलरली जो फिनेंस बिल 2018 में जो एक बात जो टैक्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो इक्विटी पे लगेगा, एज पर द रो ये है कि अगर आप 1,00,000 रुपये तक जो भी कैपिटल गेन लेते हो, जो कैपिटल गेन जनरेट होगा, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर 1,00,000 रुपये से ऊपर का कैपिटल गेन है आपको, तो जो भी 1,00,000 रुपये से ऊपर का गेन है उस पर आपको 10% का टैक्स लगेगा, जो कि अभी तक जीरो था। और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है, नोट जो नोट करने वाली बात है ये है कि अभी जो कॉस्ट कैलकुलेशन होगी, मतलब बेसिकली मान लीजिए कि आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा, 1,00,000 रुपये लगाए, लेकिन आज की वैल्यूज़ की मान लीजिए 10,00,000 रुपीज़ है, तो आपको लगेगा कि 9,00,000 रुपीज़ का मेरा कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, तो इक्विटी फंड में तो मैं 9,00,000 रुपीज़ में टैक्स देना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बजट फाइनेंस इस बजट में फाइनेंस बिल 2018 में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कॉस्ट कैलकुलेशन यानी जो परचेज कॉस्ट कंसिडर की जाएगी, वो 31 जनवरी 2018 में जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी वो आपकी परचेज कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। मैं इसको एग्जांपल पे आपको समझाऊँ अच्छे से। और तीसरा जो एक चेंजेस हुए हैं, वो आपके जो भी आपके कैपिटल गेन जनरेट होगा उस पर आपको सरचार्ज देना होगा। अभी तक आपको जो एजुकेशन सेस लगता था वो 3% लगता था, लेकिन इस बजट में फाइनेंस बिल 2018 में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 4% रखा गया है, जो कि आपके कैपिटल गेन्स पे लगेगा। अभी तक ये इट वॉज 3%। और सेम डिविडेंड टैक्स जो आपको लगेगा 10% का इक्विटी में और 25% का जो डेट फंड में लगेगा, उस पर आपको सरचार्ज देना होगा और एजुकेशन सेस भी देना होगा, एजुकेशन हेल्थ सेस देना होगा 4% का। तो आपका जो इफेक्टिव पे आउट आएगा डिविडेंड टैक्स जो आप इक्विटी फंड को जिसमें डिविडेंड आप पे डिविडेंड पे जो टैक्स दोगे उसमें डिविडेंड टैक्स पे आपको लगेगा 10% प्लस सरचार्ज लगेगा 12% और जो सेस लगेगा 4%। जो इफेक्टिव पे आउट आएगा वो आपका आएगा 11.648% का। और सेम डेट फंड का जो पहले 28.33% समथिंग आता था, आपको वो लगेगा अब 25% प्लस सरचार्ज 12% और जो उस पर एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगेगा 4%, तो जो इफेक्टिव पे आउट आएगा आपका वो आएगा 29.12% का। तो अब पर्टिकुलरली मैं आपको इसमें इस फाइनेंस बिल में एक रिलीफ मिला है जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, कि जो परचेज कॉस्ट कंसिडर होगी यानी जो कैपिटल गेन जनरेट हुआ है अभी तक आपका 31 जनवरी 2018 में, उसको एग्जम्प्ट किया गया है, यानी जो भी 31 जनवरी 2018 में जो भी आपकी फाइनल फंड वैल्यू होगी उसको परचेज कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा कैपिटल गेन को जब कैलकुलेट किया जाएगा, जो एज पर द टैक्स जो टैक्स स्लैब जो टैक्स आपकी एप्लीकेट टैक्स जो लगेगा वो उस परचेज कॉस्ट जो परचेज कॉस्ट होगी कंसिडर वो 31 जनवरी 2018 में जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपकी परचेज कॉस्ट कंसिडर होगी। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मिस्टर राम है जिन्होंने 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में 2 जनवरी 2017 में, यानी एक साल पहले। अब 31 जनवरी 2018 में उसी इक्विटी म्यूचुअल फंड की मान लीजिए फंड वैल्यू हो चुकी है 1,50,000, यानी 1,00,000 रुपये की वैल्यू आज की डेट 31 जनवरी 2018 में 1,50,000 रुपये की वैल्यू है। अब राम ने आने वाले समय में यानी 31 दिसंबर 2018 में उस फंड को बेचेंगे और 31 दिसंबर 2018 में उसकी फाइनल जो वैल्यू होगी, उस फंड की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी उनको प्रॉफिट को रियलाइज़ करने के बाद जो टोटल फंड वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2,50,000। तो अब इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? अब एज़ पर द रूल यही है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप एक साल के बाद फंड्स को बेचते हो, जो प्रॉफिट रियलाइज होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो जनरेट होता है, पहले उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब आपको उस पर 10% का टैक्स देना होगा विदाउट इंडेक्सेशन। तो अब इस केस में मिस्टर राम की जो परचेज कॉस्ट थी वो थी 1,00,000 रुपीज़, लेकिन 31 जनवरी 2018 में
उसकी जो परचे कॉस्ट थी यानी फंड फाइनल फंड वैल्यू थी वो थी 1,25,000। अब मिस्टर राम ने 31 दिसंबर 2018 में जब उसे बेचा फंड को, तब उसकी जो फाइनल वैल्यू उनको मिली वो मिली 2,50,000। तो जो एक्चुअल में जो कैपिटल गेन जनरेट हुआ है वो हुआ 2,50,000 माइनस 1 लाख रुपीज़, यानी 1,50,000 का एक्चुअल कैपिटल गेन है। लेकिन टैक्स को, टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो कैपिटल गेन कंसिडर होगा, एप्लीकेबल होगा, वो आपका होगा 2,50,000 माइनस 1,25,000, क्योंकि 1,25,000 विल बी कंसिडर्ड एज अ परचेज कॉस्ट। और अब आपकी जो एक्चुअल कैपिटल गेन हुई है वो हुई है 1,25,000। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बजट में, फाइनेंस बिल 2018 में अप टू 1 लाख रुपीज़ का जो कैपिटल गेन जनरेट होता है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। यानी आपको जो टैक्स पे करना होगा वो 1 लाख रुपये से ऊपर जो भी आपका कैपिटल गेन जनरेट हुआ उस पे करना होगा, यानी 1,25,000 माइनस 1 लाख रुपीज़ जो एग्जेम्प्ट है एक्चुअली। तो आपका जो एक्चुअल फिगर आया है वो है 25,000। अब इस 25,000 पर आपको 10% का टैक्स पे करना होगा क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो जो कि होगा 250 रुपीज़ प्लस सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो भी आपका बनेगा बेसिकली 10% और 12% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो आपका फाइनल अमाउंट है जो आपको टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, मैं जस्ट आपको एक बजट पे रिव्यू देना चाहता था, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में एक रिव्यू देना चाहता था। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो अब आपने अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।